दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं भूख से मर रही हूँ, तुम रसोई के ताला क्यों लगाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। शाम का समय हो चुका था। निर्मला बाहर खाट पर बैठी बैठी अपनी बहू की बाट जो रही थी, जो दोपहर से पड़ोसन के साथ खरीदारी करने गई थी। बार बार खड़ी होकर गेट के बाहर तक जाकर आ जाती कि कहीं तो बहू के आने का पता चले। थोड़ी देर बाद पड़ोसन आती दिखी। जमुना, ओ जमुना, जरा इधर तो आ बिटिया। जमुना दौड़ी दौड़ी निर्मला के पास आई। क्या हुआ काकी, काहे आवाज लगा रही हो। अरे मेरी बहू भी तो तेरे साथ ही गई थी, वो कहाँ रह गई। अच्छा हाँ, भाभी तो मेरे साथ ही गई थी काकी, पर वह क्या है ना कि भैया जी रास्ते में मिल गए थे, बच्चों को ट्यूशन से ला रहे थे, तो भैया जी और भाभी बच्चों को लेकर आज होटल में खाना खाने गए हैं। अरे तो पहले घर ही आ जाती, अब काकी मैं क्या जानू। आते समय भैया जी दिख गए रास्ते में, तो भाभी को लेकर के चले गए। भैया जी के पास तो कार भी है, तो सामान उसी में रख लिया। अच्छा चल ठीक है, तू जा। निर्मला ने ठंडी आहें भरते हुए जवाब दिया और वापस आकर अपनी खाट पर बैठ गई। गाल पर आंसुओं की बूंदे भी डुलक आई। या ये बुढ़ी भूखी बैठी है, उसकी किसी को परवाह नहीं और होटल में खाना खाने गए हैं। जाना है तो फिर जाओ, पर कम से कम मेरा तो बंदोबस्त करके जाओ। जाते समय रसोई में ताला लगा कर साबी भी साथ ले गई। जैसे पता नहीं कि रसोई से मैं क्या सुरा कर खा लेती। निर्मला अपने बेटे बहू नीरज और सुभद्रा के साथ रहती थी। दो पोते पोती भी हैं, सागर और हंचा। ले देखकर बस यही परिवार है, पर उसमें शायद निर्मला की किसी को जरूरत नहीं। निर्मला काफी बुजुर्ग हो चुकी है, पूरी तरह से अपने बेटे और बहू पर आश्रित थी। अपना कुछ भी नहीं था उसके पास, जो था सब बेटे के नाम कर चुकी थी। आखिर इकलौता बेटा जो था, शादी के पूरे 15 साल बाद जन्मा था नीरज। ऐसा कोई धार्मिक स्थल नहीं था जहां पर निर्मला और उसके पति शंभु ने बच्चे के लिए माथा नहीं टेका हो। खुद अभाव में रह लेते थे, लेकिन नीरज की हर ख्वाहिश पूरी करते थे। दिन रात मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया लिखाया,
काबिल बनाया, पढ़ी लिखी सुभद्रा से उसका विवाह करवाया। जिम्मेदारी निभाते निभाते ही शंभू की मृत्यु हो गई। ले देखकर ये घर था, वह भी सुभद्रा ने जिद करके नीरज के नाम करवा दिया। पर निर्मला को इससे कोई समस्या नहीं थी, तो उसने भी खुशी खुशी मकान नीरज के नाम कर दिया। पर अब सुभद्रा का व्यवहार निर्मला के प्रति बदलने लगा था। अब उसका वह कोई ख्याल रखती, उसे ढंग से खाना खाने को भी नहीं देती। कहीं जाती तो रसोई में ताला लगा कर जाती। और नीरज सब कुछ जानते बूझते भी चुप रहता। एक दो बार निर्मला ने नीरज से कहा तो उसने ये कहकर चुप करा दिया कि माँ तूने तो तेरी जिंदगी जी ली, कम से कम हमें तो जीने दे। उसके आगे तो निर्मला कुछ बोल ही ना पाई। जो रुकी सुकी मिल रही थी उसी में अपनी जिंदगी बिता रही थी। इतने में पड़ोसन जमुना निर्मला के लिए साय का कप ले आई। लो काकी साय पी लो। साय का कप हाथ में लेते हुए निर्मला ने झिझकते हुए कहा, बिटिया तुझे परेशानी ना हो तो एक बात कहूँ। हाँ बोलो काकी, क्या बात है बिटिया? वो अगर तेरे घर में एक दो रोटी रखी हो तो वो भी दे दे, साय के साथ ही खा लूंगी। निर्मला की बात सुनकर जमुना एक पल को चुप हो गई, फिर बोली, ठीक है काकी, अभी लेकर आती हूँ। जमुना अपने घर गई और फटाफट दो रोटी सेक कर सब्जी के साथ निर्मला के लिए ले आई। अरे गरम रोटी नहीं, ठंडी रोटी ही दे देती, मैं तो साय के साथ खा लेती। अरे नहीं काकी, कोई बात नहीं, आप तो खा लो और साये तो ले लेना। निर्मला ने जमुना को ढेरों आशीर्वाद दिए और रोटी खाने लगी। खाना खा लेने के बाद जमुना बर्तन लेकर घर चली गई और निर्मला वही खाट पर लेट कर आराम करने लगी। रात को 11 बजे नीरज, सुभद्रा और बच्चे घर लौटे। आज तो बहुत थक गए, नींद बहुत आ रही है, नीरज ने कहा। हाँ सही कहा, अब तो मेरे बस की भी नहीं है कोई काम करने की। बच्चों तुम लोग तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ, मैं ये सामान अंदर कमरे में रखती हूँ, फिर हम भी सोएंगे। अरे माँ को कुछ खाने को दिया कि नहीं? माँ का नाम सुनते ही सुभद्रा का मुँह बिगड़ गया। देती हूँ, ये भी एक आफत ही है, पता नहीं कब भगवान सैन की जिंदगी देगा। बड़बड़ करती हुई सुभद्रा रसोई का ताला खोलकर रसोई में गई और अंदर से एक कटोरी में दूध और स्यार ब्रेड लाकर माँ के सामने रख दिए।
मेरी हिम्मत नहीं है खाना बनाने की, अभी तो आप यही खाकर पेट भर लो। बहू मैंने खाना, देखिए अभी मुझे कोई बकवास नहीं सुननी, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ इसलिए मैं कुछ बना नहीं सकती, जो दिया है वही खा लीजिए, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। माँ की बात सुने बगैर ही सुभद्रा कमरे में जाकर सो गई। निर्मला ने दूध और ब्रेड एक तरफ रखा और खाट पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो सुभद्रा के सिलाने की आवाज से नीरज की नींद खुल गई। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों चिल्ला रही हो, देखो तुम्हारी माँ को, पूछो इनसे दूध ब्रेड क्यों नहीं खाया, अब क्या रात को पकवान बनाकर देती, खाना नहीं था तो मना कर देती, खाने की बर्बादी क्यों की, माँ पैसा नहीं लगता क्या इन सब चीजों का जो तुम बर्बाद करती रहती हो। मैंने खाना खा लिया था, कहाँ से खा लिया खाना, कहाँ से सुराया, नहीं नहीं बहू मैंने कुछ सोरी नहीं की, वो जमुना है ना वह मुझे खाना दे गई थी। लो सुन लो अपनी माँ की हरकते, अब जग में हमारी जग हसाई करती फिर रही है, लोगों को तो ये लगता होगा कि हम खाने के लिए कुछ नहीं देते। माँ आपको शर्म नहीं आती, आप हमारे साथ रह कर हमारी ही जग हसाई करती फिर रही हो। नहीं 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 बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और रखो अपनी माँ को अपने साथ, एक तो उनको साथ में रखा, ऊपर से अपना ही तमाशा करवा रहे हैं समाज में हम लोग। किसी वृद्धा श्रम में पड़ी होती तब समझ में आती, क्यों माँ छोड़ आए तुम्हें वृद्ध आश्रम, जानती हो दोनों टाइम रुकी रोटी देते हैं, वो भी एक टाइम पतली दाल के साथ और दूसरे टाइम सूखी सब्जी के साथ। बेटा वहाँ रोटी तो टाइम से देते हैं ना, क्या क्या कहा आपने, कम से कम वहाँ दो वक्त की सैन और सुकून की रोटी तो मिलेगी मुझे, वहाँ तुम लोगों की तरह ताने मारने वाला तो कोई नहीं होगा ना, मुझे तो मुझे छोड़ ही आ, तू बस बता देना मुझे कब जाना है, मैं खुशी खुशी अपना सामान पैक कर लूंगी। माँ की बात सुनकर नीरज और सुभद्रा की आंखें झुक गई, पर निर्मला वृद्ध आश्रम जाने के नाम पर बेहद खुश थी, पर लोक लाज का मुखौटा पहने लोगों ने समाज के डर के कारण निर्मला को वृद्ध आश्रम नहीं भेजा।